लाइव आ रहा है, लोग ज्वाइन कर लिया। डेटा कनेक्शन ज्वाइन। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय लेके आप लोग के साथ लाइव आया है, इसलिए ये थोड़ा समय लगेगा, ये लाइव थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा भी लग सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस सबर करके मेरे साथ जुड़े रहे हम रिक्वेस्ट करता है। और वैसे तो हम हाफलोंग बाज़ार में है अभी, डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हाफलोंग बाज़ार आसाम में। और एसओपी में तो मास्क लगाना और सबका भलाई के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन बीच बीच में हम बात करने में थोड़ा मास्क खोलना पड़ेगा क्योंकि साउंड क्लियर होने के लिए। और एक चीज़ भी है, हम लोग का आसाम सरकार हमेशा अभी देख रहा है, रिसेंटली खुद एसओपी दे रहा है लेकिन खुद एसओपी ब्रेक कर रहा है। हम लोग को चीफ मिनिस्टर, वीआईपी मिनिस्टर, ईएम सीएम जब अपना प्रोग्राम में कभी कभी मास्क नहीं लगाता है, इसलिए हम भी कभी कभी अभी बात करने में थोड़ा मास्क खोलेगा, इसलिए माफ़ कीजिएगा क्योंकि अभी का सरकार भी बहुत तोड़ता है रूल्स। तो लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज हम आया एक बहुत बड़ा घोटाला, करप्शन जो हम लोग का डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, उसके बारे में आप लोग के साथ में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बताने के लिए हम आया। तो थोड़ा दिन पहले का बात है, हमको थोड़ा डिमा हासाओ का पब्लिक लोग कोई कोई खबर दिया कि हम लोग का एलपी स्कूल, डिमा हासाओ का एलपी स्कूल में एक काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है सर्व शिक्षा अभियान के अंदर में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। ये एक फोटो है वो प्रोजेक्ट का, आपको दिखाता है। तो मैं एनसील्स ऑटोनोमस काउंसिल का एमएससी होते नाते, हाफलोंग का एमएससी, तो पब्लिक लोग ने हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रोजेक्ट हो रहा है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ऐसा ये है वो प्रोजेक्ट, ये एलपी स्कूल्स में बनाने के लिए पैसा आया, गवर्नमेंट का फंड आया है और काम चालू हो गया। ये लॉकडाउन के समय का बात है, ये लॉकडाउन के समय का बात है, ये रिसेंट जो अभी लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम ये काम स्टार्ट हुआ डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में। तो एमएससी होते नाते मैंने डिपार्टमेंट को खबर किया और पूछा, क्योंकि एज एन एमएससी हम हमेशा खबर लेता है कि ये कुछ काम चलने से कैसा चल रहा है, ये काम अच्छा से चल रहा है ना नहीं, फंड कितना आया, कॉन्ट्रैक्टर लोग ठीक से कर रहा है ना नहीं, वो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मुझे पूछने का, जानकारी लेने का मेरा एक राइट है और मेरा ड्यूटी है। इसलिए सिमिलरली इसका बारे में भी मैंने कॉन्सर्न डिपार्टमेंट के साथ में, अथॉरिटी के साथ में मैंने खबर लिया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर में जो अभी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट सब एलपी स्कूल में बनाने के लिए काम चल रहा है उसका डिटेल्स चाहिए मुझे, ये क्या प्रोजेक्ट है, कितना फंडिंग है, एक प्रोजेक्ट का कितना बजट है और ये काम कैसे चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, मैंने पूछा डिपार्टमेंट को। लेकिन ताज्जुब का बात है कि जो रिप्लाई आया, रिप्लाई हमको आया कि मतलब हम लोग को एजुकेशन डिपार्टमेंट का ईएम ने बोला है कि मतलब ये इन्फॉर्मेशन नहीं देने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन अभी मत दो एमएससी डेनियल लंगटासा को बोल के, ऐसा बोला, अभी सच बोला झूठ बोला मालूम नहीं, लेकिन मुझे ये रिप्लाई दिया। तो इसलिए हम सोचा कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको क्यों नहीं दे रहा है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देने में क्या प्रॉब्लम है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कहाँ कौन सा स्कूल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, कितना बजट का है, ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा दिमाग में मतलब एक डाउट आ गया। तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, एक हफ्ता चला गया, दो हफ्ता चला गया, तीन हफ्ता चला गया, तो अल्टीमेटली मैं क्या करूं,
ये तो नहीं होना चाहिए था, बींग एन एमएससी हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए था, लेकिन इसलिए मैंने नेचुरली क्या किया, हम लोग का जो सेशन आ रहा था, हम लोग का काउंसिल का सेशन आ रहा था, इसलिए वो सेशन में मैंने सवाल उठा दिया। और कोइंसिडेंटली हम लोग का जो सेशन है एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का, वो कल है, आने वाला कल 27 जुलाई को हम लोग का सेशन है। तो सेशन में मैंने सवाल पूछा, तो ये सेशन का क्वेश्चंस है, आंसर भी मिल गया है। सेशन कल है, लेकिन सेशन का पहले हम लोग को जवाब मिल जाता है, तो डिबेट जो चर्चा होगा वो कल होगा, लेकिन ये है सवाल और यहाँ आंसर है। तो यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है कि मतलब ये जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोजेक्ट है डीमा हसाव का एलपी स्कूल के लिए, वो क्या प्रोजेक्ट है, कितना बजट है, कौन कौन सा स्कूल में चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, और कौन ये प्रोजेक्ट को कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, ये सब सवाल पूछा, जवाब आया। लेकिन उसमें और एक ताज्जुब का बात है कि मुझे परसों को मतलब खबर आया, फ़ोन आया कि बोला कि हम लोग का बॉस ने आपके लिए कुछ सामान दिया है, आपको सामान पहुंचाना है। तो मैंने बोला ठीक है, सामान पहुंचा दो। तो हम सोचा ये जो मैंने सवाल पूछा उसका मतलब जो आंसर है वो डॉक्यूमेंट्स हमको पहुंचाएगा। तो मैंने अपना असिस्टेंट को भेज दिया सामान लेने के लिए। लेकिन मेरा असिस्टेंट जब गया तो मेरा असिस्टेंट के साथ में ये डॉक्यूमेंट नहीं, ये थमाया। और ये क्या थमाया आपको हम दिखाता है, ये पैसा दिया है। क्या बात से दिया, क्यों दिया, हमको कुछ नहीं बोला। तो इसलिए हम पूरा अभी डाउट में हो गया कि ये जो अभी सर्व शिक्षा अभियान का और ये प्रोजेक्ट, अभी हमको मालूम हुआ कि 8.91 करोड़ का पूरा डीमा हसाव में ये काम चल रहा है, सब एलपी स्कूल में ये ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए। और एक स्कूल में, एक एलपी स्कूल में इसका 4.5 लाख का बजट है। आप ये वीडियो, ये फोटो देख के आपको बोलिए, ये क्या 4.5 लाख का काम लगता है? कोई भी नॉर्मल आदमी हमको बता देगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर बता देगा कि इसको बनाने में कितना लगता है। भैया आप आइए, इसको देखिए, ये टंकी है, सिंटेक्स टंकी, नीचे में ये बनाया है, इसको बनाने में कितना पैसा लगेगा आप बोलिए? कितना लगेगा होगा, मैक्सिमम कितना लगेगा होगा? एक दो ही लग सकता है, दो भी मतलब मुश्किल है, लेकिन इसका 4.5 लाख है इसका बजट, इम्पॉसिबल है। ऐसा करके 4.5 लाख का डीमा हसाव में 198 स्कूल्स में प्रोजेक्ट है, यहाँ में पूरा लिस्ट है मेरे पास, 198 एलपी स्कूल्स में, मतलब इसका टोटल बजट है 8.91 करोड़, 8.91 लाख। तो मैंने ये सवाल पूछा, ये जवाब आया, ये कल काउंसिल का सेशन है, कल इसका ऊपर चर्चा कर सकता है। लेकिन जब मैंने पहले मांग लिया था, ये 3 हफ्ता पहले मांगने में हमको जवाब नहीं दिया और बोला कि मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मना किया है ये मुझे देने के लिए, हम एमएससी होके भी हमको मतलब इसमें घोटाला जरूर है, घोटाला है इसमें, बहुत बड़ा घोटाला है। और ये देख के तो मालूम ही हो गया 4.5 लाख का ये काम है, देखने में तो 1.5 लाख से भी ज्यादा नहीं होगा। तो मतलब 198 स्कूल्स, मतलब 8.9 करोड़, मतलब कितना, 3-4-6 करोड़ का तो घोटाला है इसमें, ये कौन चेक करेगा? और यहां में लिखा है, कोई जगह में 60% कंप्लीट, 50% कंप्लीट ऐसा करके दिखाया है, लेकिन हमको अभी खबर मिल रहा है कि कोई जगह में तो काम शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन हम ये वीडियो बनाया क्योंकि हम रिक्वेस्ट करता है कि अभी हम लोग चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा भी आज हफलोंग आया है और वो नया गवर्नमेंट फॉर्म करके बोला कि करप्शन को रुकाएगा। तो हम रिक्वेस्ट करता है कि मतलब ये घोटाला आप जांच पड़ताल होना चाहिए। और जो पैसा हमको दिया हम उसका नाम अभी नहीं बताएगा, क्योंकि हमेशा जब करप्शन का बात आता है ये छोटा मोटा लोग को पकड़ के वो हमें काम खत्म कर देता है। बड़ा बड़ा जो लोग होता है वो लोग बच जाता है, स्पेशली पॉलिटिशियंस लोग। तो हम नहीं मांगता है कि कोई बलि का बकरा बन के कोई क्लर्क को, कोई चौकीदार को, कोई एम्प्लॉय फंसेगा। अगर फंसना है तो डायरेक्ट टॉप लेवल से फंसना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन ईएम, सीएम, एमएलए सबका नॉलेज में होगा, जरूर होगा। अगर हम एमएससी होके हमारे पास नॉलेज में है तो क्या बाकी लोगों के पास नॉलेज में नहीं होगा? और ये पैसा कहाँ से हमको दिया, क्या बात से दिया, क्या घूस क्यों खिलाने मांगा, ये क्या का पैसा है? ये प्रोजेक्ट का पैसा है ना, अपना पॉकेट से कोई निकाल के दिया ये बात नहीं उठाने के लिए, हमको कुछ नहीं बोला, ये क्या बात से पैसा है? हम इंफॉर्मेशन मांगा, हमको रिटर्न में पैसा दिया,
इसलिए इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। आज हिमंत बिश्व शर्मा हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आया है, इसलिए हम लाइव जाता है क्योंकि हम लोग को और आवाज उठाने का रास्ता नहीं है। आज मीटिंग में भी एमएससी हफलों का एमएससी होकर हमको बुलाता भी नहीं है, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, हमको इन्वाइट भी नहीं करता है, हम लोग कैसे जाके बात अपना बात बताएगा। इसलिए हम लाइव आया है, आप लोग ये वीडियो देख के शेयर कीजिए। और आज हम यहाँ में आया है क्योंकि ये हम लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी का टाइम में जब आदमी के पास पैसा नहीं है, एलपी स्कूल में पानी का सप्लाई के लिए, पानी का प्रोजेक्ट के लिए पैसा भेजा 8.9 करोड़, और उसमें भी घोटाला देखने को मिल रहा है। अभी ऐसा कैसे चलेगा? इसलिए आज ये जो पैसा दिया है ये पब्लिक का पैसा है, इसलिए हम आज बाजार में आया है क्योंकि ये बोलने के लिए कि ये हम लोग को दूसरा लीडर जैसा नहीं है जो पैसा खा के, पब्लिक का पैसा खा के चुपचाप बैठेगा। ये पब्लिक का पैसा है और हम बाजार में हम आया है क्योंकि पब्लिक का पैसा हम पब्लिक को वापस देगा। अभी ये जो भी ये करा है आप लोगों को जांच पड़ताल होना चाहिए। बीजेपी सरकार अभी का हिमंत बिश्व शर्मा आज हफलोंग में आया, हम आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता कि एसएसए सर्व शिक्षा अभियान का जो 8.9 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, आप जैसे भी इसको जांच पड़ताल करो, सीआईडी को लगाओ, टॉप लेवल को लगाओ, आपको बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिलेगा, आंखों के सामने है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करता है, हम नहीं कर सकेगा, पब्लिक नहीं कर सकेगा, आप लोग कर सकेगा, आप जैसे भी इसको अभी ये करो, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, हम रिक्वेस्ट करता है। और ये जो पैसा दिया है, कल हम लोग का काउंसिल का सेशन है, इसको सवाल उठाने के लिए शायद हमको मत उठाओ बोल के छुपाने के लिए ये पैसा ऐसा दिया है। हम क्वेश्चन पूछा और पैसा दिया, ये पैसा पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट में जाके गवर्नमेंट लोग फिर घूस दे के मतलब बात को, करप्शन को छुपाने मांगता है। इसलिए ये पैसा आज हम आया है, ये हम बाजार में जो उनको तकलीफ है इतना दिन से लॉकडाउन के लिए, ये उल्लू को एक एक करके हम बांटेगा। ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के साथ में वापस जाना चाहिए। आप इटो करता ना, लॉकडाउन का टाइम में तकलीफ हो आपको, हुआ ना, ये लो रखो, ये आपका पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं। गवर्नमेंट लोगों कितना पैसा खाई की, पब्लिक का पैसा खाई की क्या क्या घोटाला करता है, ये रखो, आपका ही पैसा है, ये तो हमारा पैसा नहीं, हम नहीं देता है, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, ये तो ब्लैक मनी है, ये तो पकड़ो, आप पकड़ो, आप भी रखो, आप लोगों को लॉकडाउन के टाइम में तकलीफ है, ये तो रखो, ये तो पब्लिक का, गवर्नमेंट से सरकार पैसा खाने वाला है, ये तो इसलिए वापस हम आदमी को देते है, ये तो रखो, ये तो रखो, माए आप रखो, ये तो आपका पैसा है, ये तो दीदी ये तो सरकार का पैसा, ये तो सरकार से ब्लैक मनी, पब्लिक का पैसा खाने वाला है, जो घूस देने मांगता है, आप लोगों का पैसा है, ये तो आपको हम वापस देता, ये तो आप रखो, रखो ये तो दीदी, आप ये तो रखो पैसा, रखो आप भी रखो, लॉकडाउन में आप लोगों को बहुत तकलीफ हो ना, पैसा रखो, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है, आप लोगों का ही पैसा है, ये तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं, पब्लिक का ही पैसा है, इटू रखो, इटू रखो, इटू पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट चोरी करने मांगता है, आपको वापस देता है हम, रखो, सबको आपको तकलीफ हुआ, रखो, नहीं इटू हमारा पैसा नहीं है, आपका ही पैसा है, रखो दीदी, रखो इटू आपका ही पैसा है, सबको देते हैं, आपको ही पैसा है, आपको ही पैसा है, इटू आपको ही पैसा है, रखो आपका पैसा है, आप अगर इतने बोलेगा तो सरकार और भी चोरी करते रहेगा, इसलिए रखो, ये तो पब्लिक का ही पैसा है, आप फिर रखो, रखो पब्लिक का पैसा है, सरकार चोरी करने मांगता है, इसलिए आपको वापस हम दे दिया, इतना ये तो सरकार से, हाँ ये तो सब स्कूल एलपी स्कूल मालूम है ना, एलपी स्कूल, एलपी स्कूल में इटू बनाने के लिए, हाँ पानी टैंकी इसे बनाने के लिए सरकार से पैसा दिया, हाँ डीमा हासो हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में 198 स्कूल में इसे वाला बनाने का दिया, एक टू का दाम कितना है मालूम है, 4.5 लाख, देखने में तो नहीं लगता कि 2 लाख में भी बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम सवाल पूछा इटू, हम एमएससी है हफलों का, हम पूछा कितना टू जगह में बनाता, कितना दाम से बनाता, हम सब डिटेल्स मांगा, हमको नहीं दिया, बोला कि मना करा हमको देने के लिए, क्यों, हम तो खाली पूछा कहाँ कहाँ में बनाओ, हम चेक करेगा, तो अभी काउंसिल में सेशन होता ना, काउंसिल में हम जब सवाल पूछा तो इटू जवाब मिला, लेकिन हमको पैसा भी भेजा, पैसा क्या बात से हमको भेजा, क्या बात से भेजा, हम तो पैसा नहीं मांगा, हम तो सवाल पूछा, मतलब उन लोगों घूस देने मांगता हमको कि आप इस सब चीज़ को
मत निकलाओ, ये सब चेक मत करो। आपको आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता होगा, लेकिन इटो देख के आपको लगता है इटो 4 लाख लगेगा इटो बनाने में, 4 लाख लगेगा इटो बनाने में आपको लगता है 4.5 लाख लगेगा। इसलिए इटो जो पैसा दिया इटो हम पैसा ले नहीं लेगा, इटो इटो खराब कमाई का पैसा है। आप लोग इटो पब्लिक ले ले सब ले आप लोग, क्योंकि आप लोगों को हम देता है क्योंकि आप लोग सब्जी करता, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में आप लोगों को तकलीफ मिला, गवर्नमेंट बोला बंद करो तो आप लोग माना खुला, लेकिन आप लोगों को थोड़ा भी मदद मिला अभी तक नहीं मिला ना, इसीलिए हम देते हैं। आप लोगों का पैसा है, आप लोगों को तकलीफ मिला बोल के आप लोग नेटवर्क करते, गवर्नमेंट लोन करप्शन करते रहेगा और पैसा हम लोग को खाते रहेगा। ऐसे जैसे बहुत जन है जो पैसा करोड़ करोड़ खाई दिया है, यूट्यूब में करोड़ करोड़ का घोटाला है, हमको भी मत बोलो बोल के हम लोग का मुख चुप करने के लिए हमको पैसा देता है। हाँ ले आप लोगों को पैसा है इठो आप लोगों को वापस देता है। इबो सरकार ने रंग निया इबो जिनी रंग से हाँ आंग आप लोग ने MSC आंग माने दोहा जिनी डिमा हासा हुआ LP स्कूल दंग दा नलायाबो दं LP स्कूल हा एलियाबा टेंकी डांगबा दो मासी टेंकी नि दाम जाखा 4,50,000 सिकाबो एलि डांगबा इबुला 4,50,000 नि निया खुशी ना ओदेबानी आं सिंबा जे माने एलियाबा डिमा हासावा बिस्लि डांखा हा डिमा हासा 198 LP स्कूल में ऐसे वाला अभी बनाते है, लॉकडाउन का टाइम में बनाया, मतलब 8.9 करोड़ टोटल दाम है 8.9 करोड़ का काम अभी डिमा हासाओ में करा, लेकिन ऐसा काम करा देखने में लगता है कि 2 लाख भी नहीं लगा, लाएगा 2 लाख इटू में, लेकिन 4.5 लाख एक ठुका, तो 198 स्कूल का कितना होता 8.9 करोड़, यह सब हमारे पास लिस्ट है। ये जब हम डिपार्टमेंट को मांगा इटू चीज़ हमको नहीं दिया, 3 हफ्ता हमको रुकाया, और काउंसिल में अभी हम कल में सेशन होता है हम लोग को काउंसिल में, काउंसिल का सेशन में हम पूछा तो हमको जवाब मिला, हम तो सवाल पूछा लेकिन कल में हमको फोन करके हमको बोला आपके लिए कुछ सामान है बोल के, हम बोला क्या सामान है, हम लड़का को भेजा तो पैसा भेजता है क्या गले, क्या मतलब है, मतलब हम इटो सवाल मत उठाओ इटो चीज तो ऐसे ही बैठो, मतलब काम ऐसे ही चलने दो, मतलब ना क्या ऐसे सोचा, ऐसे बहुत जन काम करता होगा लेकिन हम इसे काम करने के लिए नहीं बैठा है, इसलिए जो पैसा दिया है आप लोगों हम आज बस्ती वाला लोगों कितना तकलीफ करा लॉकडाउन में हम मालूम है, इसलिए उन लोगों को हाथ में हम दे देता है वापस। अदे नी निकलाई है नाम ले जाती नहीं इबु के डैंग नी निकलाई है रंग इबु सरकार घोटाला खलाई खा दो जिन्हें सरकार सर्व शिक्षा अभियान हा LP स्कूल हा डिमा हासा हुआ LP स्कूल हा डांगमानी खिलाही इबुड वाटर ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट दस जासई डू तो हा मासी मासी टेंकी हा 4.5 लाख इबु नुहिन 4.5 लाख जामा इबु 4.5 दे सिकाबो इबु के आंग सिंबा डिपार्टमेंट के हाँ डिपार्टमेंट आंके जवाब रिया ओडेबानी आं काउंसिल सेशन आ सिंगमा नंगबा और हा आं माइखा 198 स्कूल सा डांग दू इबु माने टोटल 8.9 करोड़ नि प्रोजेक्ट आंगला सिंखा आंके जवाब बो दोहा काउंसिल आ डाकना काउंसिल नि सेशन दों हाँ सिकाबो आंके फोन खलाई ही माने दादा आपको कुछ सामान देना है सी आंके मिया हा रंग रिडू नबानी रंग रिबा नबानी रंग रिबा नादी कारण नाबानी रिबा माने घोटाला डोंग एरहा करप्शन डोंग घोटाला डोंग करप्शन हुआ घोटाला हुआ है, इसलिए मतलब चुप बैठो होने दो मुख चुप करो, इसलिए हम बोला इटू तो पब्लिक का पैसा है, इटू क्या कोई अपना पॉकेट से दिया नहीं, पब्लिक का पैसा है, हम लोग का पैसा, आपको पैसा, सबको पैसा है, जितना राइट का हाँ, इसलिए कल सेशन है लेकिन आज इटू काला मनी ब्लैक मनी जो बोलता है तो आदमी का वापस हम देगा बोल के हम इटू लेके आया, और आपको क्यों दिया क्योंकि आपने तो सब्जी बिक्री करता लॉकडाउन में इतना तकलीफ हुआ, गवर्नमेंट बोलता बंद करो तो आपने बंद करता, इतना महीना लास्ट ईयर से आजकल लेकिन कुछ भी आप लोगों को तकलीफ तो देखता
लेकिन अपना चीज जब भी खुलने मांगता गवर्नमेंट तो सरकार तो करते रहता, अपना मीटिंग अपना प्रोग्राम अपना ये सब कॉन्ट्रैक्ट तो करते रहता पैसा कमाने के लिए। स्कूल बंद करके पानी टैंकी बनाता लेकिन 4.5 लाख बोलता लेकिन काम देखो 2 लाख का भी काम नहीं करके 8.9 करोड़ के आजकल का टाइम में कमती पैसा है 8.9 करोड़ से स्कूल अभी क्या बोलता ऑनलाइन स्कूल ना 8.9 करोड़ से 5,000 रुपया को फोन किन की सब स्टूडेंट को दे दो ना। स्टूडेंट के पास फोन नहीं है आजकल ऑनलाइन क्लास तो बोलता 8.9 करोड़ को फोन किन की देने से तो 17,000 आदमी को बच्चा लोगों को हाथ में मोबाइल फोन आता रहा। ठीक है मौत करो लेकिन ये काम तो अच्छे से करो। हम सवाल पूछा कल सेशन है जवाब मिला उसके बाद में हमको पैसा कल में हमारा फोन कर आपके लिए कुछ सामान है बल्कि घर में पहुंचाता है पैसा इसलिए आदमी का पैसा है आदमी को वापस देगा। हम दीदी को दिया आगे में नहीं दिया ले आपका ही पैसा है चिंता मत करो। ये आपको भी ले आप लोग भी सब्जी बिक्री करता है तकलीफ है मालूम है आप लोग को भी दे हम सुना ना क्या बोला उठो ये आप लोग को ही पैसा है लो आप हम लोग भी बिक्री करा लो आप भी तकलीफ में है मालूम है आप लोगों को बहुत तकलीफ इतु करा है सरकार ने रंग आप भी रख लो लो आप भी रखो चलो क्या करता आप लोगों सब साथ में ठीक है झूठ नहीं बोला ना लो आप लोगों को ही पैसा है लो दीदी लो दीदी सरकार का पैसा है इठो सरकार का पैसा नहीं है इठो ब्लैक मनी है इठो आप लोगों को मिलने लगता है इठो क्या आपके लिए अरे डाक क्यों नहीं दिया हमको इठो ना एक तो गवर्नमेंट का स्कीम चलती है तो उसमें कुछ पैसा का बहुत घोटाला करा है लोगों तो हम जवाब मांगा तो उन्होंने जवाब तो दिया लेकिन साथ में हमको पैसा भी भेजा मतलब कुछ गड़बड़ है चुपचाप बैठो ऐसे कुछ बोला तो ये तो हम किसे मानेगा ये तो पब्लिक का पैसा क्या धमाली मिला नहीं क्या इसलिए हम पब्लिक का पैसा है ये दूसरा का नहीं है तो इसलिए पब्लिक को ही हम वापस देते हैं और आप लोगों को लॉकडाउन में तो बहुत तकलीफ हुआ इसलिए ज़्यादा नहीं होने से हाँ हाँ आप लोगों को तकलीफ हुआ कौन दुकान चलाता दुकान कौन आप चलाता दुकान कौन चलाता आप चलाता दुकान कौन चलाता किसका दुकान है ठीक है आपको दिया हम दीदी रखो 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 ये तो सरकार मतलब कुछ सरकार का स्कीम में बहुत करप्शन हुआ है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हम आप लोगों का MSC है हम सवाल पूछा तो लोगों हमको पैसा भी भेजा मतलब कुछ छुपाने के लिए होगा छुपाने के लिए करा है ऐसे करके हम आप लोग बहुत लोगों को समझाई दिया आप लोगों को भी दूसरा टाइम में समझाई देगा लेकिन ये तो पब्लिक का पैसा है ना नहीं और आप लोगों को बहुत तकलीफ मिला लॉकडाउन में इसलिए पब्लिक का पैसा पब्लिक को ही जाने लगता इसलिए रखो ले आप चुपचाप बैठा बोल के रखो दादा रखो हाँ आपका भी क्या तकलीफ तो हुआ होगा लॉकडाउन के टाइम में तो ये रखो दीदी रखो रखो आपका ले है
देखो सुलम इटू ना इसे पैसा नहीं सरकार का सरकार से एक तो एलपी स्कूल में टैंकी बनाने में बहुत पैसा को गड़बड़ करा है, इसलिए हम जवाब पूछा तो हम हफलों का एमएससी है तो हमको पैसा भेजा, मतलब छुपाने के लिए होगा, मत करो बोल के मत बात मत करो इसके बारे में, इसलिए बस इटू तो पब्लिक का पैसा है, सरकार अपना पॉकेट से थोड़ा ही देता नहीं क्या, पब्लिक का पैसा ही तो सरकार में जाके देता है, उन्होंने कुछ गड़बड़ करने मांगा इसलिए हमारा मुख चुप करने के लिए पैसा देता है, इसलिए पैसा तो पब्लिक को ही हम वापस देते हैं। आपका ले लो ये लाइन से आया रहा आपका ले आप कल हम तो खाली पूछा कहाँ में स्कूल कौन-कौन स्कूल में बनाते हैं, कितना है इसका प्रोजेक्ट का, हमको जवाब नहीं दिया, अभी कल में काउंसिल का सेशन है, हम जवाब मांगा सेशन में पूरा लिस्ट है ये सब देखो कौन कौन स्कूल में बनाने मांगता, लेकिन हमको जवाब दिया, रात में कोई फ़ोन करता बोलता कि आपके लिए सामान है हमको पैसा भेजता है, क्या बात है पैसा भेजता, घूस खिलाने मांगता, मतलब ये सब चीज़ तो कितना बड़ा घोटाला होगा, अगर 4.5 लाख वाला काम अगर 2 लाख में निपटा ही दिया आधा में तो 8.9 करोड़ में तो मतलब 4 लाख तो 5 लाख तो आराम से कुछ तो है, इसलिए हमको जो घूस देने मांगा वही तो पैसा ही हम वापस आदमी को पब्लिक को वापस देते हैं, इधर में दिया नहीं दिया ना लो बहुत कुछ हाँ बोलो इन को आपको आपको क्या तकलीफ है तकलीफ का अभी से तो सब मांगेगा, हम सब्जी बिक्री करने वाला लोगों को देते हैं क्योंकि लोगों को लॉकडाउन में बहुत तकलीफ हुआ ना और दुकान बंद करने लगा, इसलिए ले दीदी आप कर ले थैंक यू चलो आप लोगों को भी तकलीफ हुआ है लॉकडाउन में मालूम है चलो 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 अभी सब्जी बिक्री करा ना चलो आप भी रख लो दीदी 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 आप कर ले ले रखो आप कर ले है नहीं नहीं ले 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 रखो 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 हम सबको देते हैं देव हम बोलेगा इटू क्या है इटू हम लोग का जो सरकार है सरकार स्कूल में हाँ स्कूल मालूम है ना एलपी स्कूल हाँ ले इटू रखो आप बाद में समझो हम समझाई देगा हम बोलेगा हम क्यों देते हैं हाँ एलपी स्कूल मालूम है ना एलपी स्कूल हम लोग डिमासाओ डिस्ट्रिक्ट में एलपी स्कूल में अभी ऐसे पानी टैंकी देखा ये तो बनाने के लिए दिया है हम लोग डिस्ट्रिक्ट 198 एलपी स्कूल में ऐसे बनाने दिया है एक टू टैंकी का दाम मतलब बनाने का गवर्नमेंट से 4.5 लाख दिया है 4,50,000 ये तो देख के लगता 4,50,000 लगेगा ये तो बनाने में कितना लगेगा दादा ये तो बनाने में हाँ आइडिया तो होगा आप लोगों दुकान करता है बिजनेस करता है कितना लगेगा इटू बनाने में बोलो ना
देखता है कौन जानेगा ईटो बनाने में कितना लाएगा, आइडिया करो। हाँ अच्छा, एक जन बोला 1 लाख बोला, आप बोलो, जवान लड़का आइडिया नहीं है नहीं क्या, थोड़ा 2 लाख। अच्छा आप ज़्यादा दे दिया, 2 लाख कोई बात नहीं, 2 लाख होने से भी 4.5 लाख का है। 198 स्कूल्स में बनाने दिया, 8.9 करोड़, 8 करोड़ 91 लाख का। हम आप लोगों का MSC है, हम को कोई से बोला अच्छा से नहीं काम होते तो हम जब जवाब मांगा डिपार्टमेंट को, हमको जवाब नहीं दिया, नहीं दे के रखा। कल में सेशन है काउंसिल का, तो सेशन में हम पूछा तो अभी जवाब आया, ये सब पूरा लिस्ट है कहाँ का स्कूल में कितना काम हुआ इस सर के। लेकिन हमको और एक तो फ़ोन आया कि आपके लिए एक तो सामान है, सामान क्या है, लड़का को भेजता तो पैसा भेजता, हमको क्या बात से हमको पैसा भेजा, बिक्री किन्ने मांगा नहीं किया, मतलब ये तो चीज़ तो मतलब मोट उठाओ बाट ठू, इसलिए ये तो जो पैसा दिया ये तो मतलब ब्लैक मनी है, कुछ तो घोटाला है। इसलिए आज हम रिक्वेस्ट करता लाइव वीडियो किया, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर हाफलोंग में आया है, हम रिक्वेस्ट करता कि ये डिमासो में अभी 8.9 करोड़ का बहुत बड़ा कुछ घोटाला है, अब डाउट है पूरा, आप लोग पूरा जांच पड़ताल करो, पूरा अभी एक ठो जांच पड़ताल होना चाहिए, बहुत करप्शन निकलेगा इसमें, ये हम रिक्वेस्ट करता हूँ। ये जो काला धन हमको मतलब मुख चुप करने के लिए कोई भेजा, इसको हम पब्लिक का पैसा, इसलिए पब्लिक को हम वापस देते हैं, उठी करते हैं हम अभी, आप लोगों का पैसा है, आप लोगों को नहीं लो उठो। या आप लोगों को भी तकलीफ तो हुआ है लॉकडाउन के समय में, इसलिए थोड़ा मदद लो। क्या करते हैं? हाँ ठीक है चलो, ये तो क्यों देते हैं मालूम है? गवर्नमेंट में स्कूल में LP स्कूल में पानी टंकी बनाने के लिए स्कीम निकला, इटू है पानी टंकी जो बनाया, एक टू टंकी बनाने का 4,50,000, देखने में तो नहीं लगता 4 लाख का काम है, इसलिए हम डिपार्टमेंट को पूछा, हम आप लोगों का MSC है, हम पूछा कि कहाँ काम है इटू स्कूल में बनाते हैं, कितना है प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट है, तो हमको जवाब नहीं दिया, छुपाई के रखा, हम सोचा क्या बात से। लेकिन कल तो सेशन है, सेशन में हम जवाब मांगा तो अभी मिला, तो 198 स्कूल्स पूरा डिमासो में इटू काम चलते है, टोटल प्रोजेक्ट का दाम है 8 करोड़ 91 लाख का। तो हमको इन्फॉर्मेशन तो दिया, लेकिन फ़ोन भी आया और बोला कि आपको ले इसको सामान भेजेगा, तो क्या सामान भेजा, तो पैसा भेजा, क्या बात से पैसा भेजा, हम तो कहा स्कूल में कितना काम हुआ मुझे पूछने में, पैसा क्या भेजने बात, मतलब गड़बड़ है इधर में, कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है, घोटाला है, इसलिए इटू चीज टू छुपाने के लिए मतलब इटू करने मांगा। अगर 4.5 लाख का काम में अगर 1 लाख 1.5 लाख में लिपटाई देने से तो लाभ कितना है, 3 लाख 2 लाख जैसा, तो सोचो तो 198 स्कूल में कितना का होगा, तब तो 3-4 करोड़ का तो कुछ तो घोटाला हमको सुनने को मिल रहा है हमको। इसलिए ये पैसा जो घूस देने के लिए हमको दिया, हम पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को इसलिए वापस देते है, ये तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है ना, ये तो घोटाला करने वाला कुछ होगा ना। और आज हिमंत बिश्व शर्मा हम लोग को चीफ मिनिस्टर आते हैं, इसलिए हम ये लाइव वीडियो करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जांच पड़ताल करो, इटू चीज इटू में जांच पड़ताल करो, बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा, बहुत बड़ा आदमी लोगों का नाम भी निकलेगा जो इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करता कि इसे करो। कब तक हम लोग को बच्चा लोगों को पैसा से एडुकेशन है रे, LP स्कूल बच्चा लोगों को स्कूल का भी पैसा भी ऐसे करेगा नहीं क्या? लॉकडाउन के टाइम में अभी कोरोना में क्या बोला, हाथ धुलाओ बोला ना, हाथ धुलाओ इसे बैठो, इटू स्कूल में पानी पीने के लिए पैसा दिया, उसमें भी क्या पैसा मारेगा नहीं क्या? ऐसे किसे करके सरकार चलाएगा, ऐसे करके किसे एडुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे किसे करने सकता, और किसे हमको पैसा भेजने सकता? इटू हमको डिपार्टमेंट का आदमी से फोन करके हमको बोला आपके लिए कुछ सामान है बोला, तो हम तो सोचा कुछ भेजेगा होगा हमको, क्योंकि हम तो पूरा डॉक्यूमेंट मांगते हैं ना, हम तो पूरा इन्फॉर्मेशन दे हमको क्या क्या काम चलते, तो हमको कहाँ है, हमको तो पैसा भेजा, मतलब तो बात मत करो उसके बारे में।
हाँ उसे तो होगा ना, उसे तो होगा ना। हाँ तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करता कि हाँ इसलिए हम रिक्वेस्ट करता कि हम ये आप हम लोग करने नहीं चाहेगा, लेकिन सरकार तो करने चाहेगा। तो सरकार इसको अच्छा से जांच पड़ताल करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों गवर्नमेंट लोगों अच्छा से जांच पड़ताल करो, काम कैसे हुआ नहीं हुआ कैसे आप पूरा क्लियर हो जाएगा, कौन पैसा खाया कौन क्या सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं इटू करो बोल के। और जो पैसा इटू दिया है इटू काला धन का पैसा इटू इटू, लेकिन पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा थोड़ा ही होता नहीं क्या? हम लोग टैक्स देता उधर से तो गवर्नमेंट से तो फिर सामान के लिए बेचता ना, इटू क्या गवर्नमेंट क्या अपना पॉकेट से देता नहीं क्या? इसलिए इटू घूस देने वाला पैसा टू इटू हम लोगों का पैसा है। इसलिए आप लोगों को लॉकडाउन में भी तकलीफ हुआ, गवर्नमेंट बंद करो बोलने से आप लोग बंद करता खुला, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता, एक रुपया भी मदद पहुँचा नहीं आप लोगों को हाथ में। दूसरा लोन तो जो खुशी बड़ो बड़ो आदमी लोग तो बिजनेस चलते रहता, कॉन्ट्रैक्ट चलते रहता, लेकिन छोटो मोटो के आदमी लोग नहीं खाएगा नहीं क्या? इटू प्रोजेक्ट इटू जो इटू है इटू चलते है, लॉकडाउन के टाइम में पूरा चलते रहा, इटू अभी भी चलते है। इन लोग तो बड़ो बड़ो कॉन्ट्रैक्टर है बोल के पैसा मिलता, आप लोगों को तो दुकान बंद बोलने से दुकान बंद बोलते, आप लोगों को क्या एक दिन का लॉस का क्या कुछ मिला आज तक? कुछ तकलीफ तो सोचा नहीं सोचा ना? हम बोलता कि इसलिए हम बोलता ठीक है तकलीफ नहीं सोचा, लॉकडाउन है मानता है, लेकिन ऐसे ऐसे स्कूल का पैसा में तो ऐसे मत करो, जितना पैसा आया अच्छा से काम करो ना। एलपी स्कूल का हालत क्या है देखो ना, अभी जाके गांव गांव में एक टू एलपी स्कूल का क्या हालत है आप भी मालूम है ना? आप लोग अपना अपना गांव का एलपी स्कूल का हालत क्या है बोलो ना? बच्चा पढ़ने को लाइक बना के रखा है नहीं क्या आपको दिया? आपका ही पैसा है टूरा हमसे दिया नहीं पाव लग गया। हाँ एक बार बोल हाँ हम देखो हमरा बुरी बीमार है ना। एक मिनट आप लोगों को हाथ में पैसा नहीं पहुंचा, लेकिन आप लोगों को आप लोग रोया में रोज बैठता ना, हम आएगा बाद में आप लोगों को फिर एक बार हम देगा ठीक है। आज का अभी का लाइव वीडियो हम ये बोल के ख़त्म करता है कि जो भी ये वीडियो देखते हैं उसको एकदम शेयर करो इसको, और टैग करो, टैग करो हम लोग को, चीफ मिनिस्टर को टैग करो डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, हम लोग को एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करो श्री रनोज पेगू, क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का घोटाला है। रनोज पेगू को टैग करो आप लोग। उसके बाद अगर आप डिमा हसाव का है तो हम लोग को डिमा हसाव का एमएलए श्रीमती नंदिता गोरलोसा, जो इंसिडेंटली हम लोग को एजुकेशन डिपार्टमेंट का ईएम है नंदिता गोरलोसा, एमएलए भी है, उसको भी टैग करो। लालरेम सियामा दारनेई एजुकेशन डिपार्टमेंट का ईएम है, उसको भी टैग करो। देवोलाल गोरलोसा सीईएम है, उसको भी टैग करो। और सवाल पूछो कि हम लोग को जाँच पड़ताल चाहिए, यहाँ में इटू में जाँच पड़ताल चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का अंदर में ये प्रोजेक्ट निकला है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, एक टू एलपी स्कूल में बनाने के लिए 4.5 लाख का प्रोजेक्ट है ये, लेकिन काम देखने में तो 4.5 लाख का नहीं लग रहा है। और ऊपर से हमको घूस देने का भी कोशिश किया, घूस दिया हमको, मतलब ये जवाब नहीं देने के लिए। और जब हम ये सवाल उठाया, जब हम आंसर मांगा, हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट एक महीना हमको रुकाया, हमको मतलब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हमको। और हम बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा, कितना तो स्कूल में ये काम चल रहा है, टोटल कॉस्ट कितना है, और एक एक स्कूल का डिटेल्स, काम कितना चल रहा है, कितना परसेंटेज हुआ काम, वो सब हम मांगा, लेकिन हमको नहीं दे के रखा। अभी कल सेशन है, काउंसिल सेशन है बोल के हम जब काउंसिल में जब पूछा तो आंसर आया, लेकिन आंसर के साथ साथ पैसा भी मतलब घूस भी आया। क्या बात से आया, क्या बात से ये घूस आया, कौन कर रहा है? लेकिन ये जवाब ना हमारा पास होगा, ये जवाब गवर्नमेंट के पास होगा। तो हम रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करता है
हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, आज आप हाफलोंग में आया आपको, लेकिन आपको हम हाफलोंग का एमएससी है, एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का एमएससी है, लेकिन जब भी आप हाफलोंग में आता है हमको ना इन्फॉर्मेशन देता है ना एज एन एमएससी हमको मीटिंग में कॉल करता है, हम लोग को ओपोजिशन एमएससी बोल के हमको ऐसा रखा है, लेकिन हम लोग को पब्लिक का भला ही चाहता है, ऐसा घोटाला नहीं हो, इसलिए आप जैसे भी इसको एक इंक्वायरी चाहिए, हम रिक्वेस्ट करता है आसाम स्टेट गवर्नमेंट को कि इंक्वायरी करो, एक थोरो इंक्वायरी करो, सर्व शिक्षा अभियान का अंदर में ये क्या घोटाला हो रहा है, आप इंक्वायरी करो, क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करो, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, लिखा तो है एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी लोग इम्प्लीमेंट किया बोल रहा है, लेकिन सुनने को मिल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर्स लोग कर रहा है, एसएमसी के पास से पैसा निकाल के कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लोग ये काम कर रहा है। सो ये सब चीज़ का जैसे भी ये सब चीज़ का गवर्नमेंट लोग का जो हम लोग का चीफ मिनिस्टर है, हम लोग का एजुकेशन मिनिस्टर रानोस पेगो, आप लोग को हम हाथ बिनती करके डिमा हासाओ की तरफ से हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग जैसे भी इसको मतलब एक टू इंक्वायरी करके इसका क्या सिस्टम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, आप जैसे भी इसको निकालो, ये हम आपको रिक्वेस्ट करता है। और जो लोग ये देख रहा है आप लोगों भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डिमा हासाओ, प्लीज़ आप लोगों ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज का टाइम में 8.9 करोड़ एक मामूली बात नहीं है, 8.9 करोड़ बहुत सारा डिपार्टमेंट का बजट भी एक साल का उतना नहीं होता है, इतना ज़्यादा पैसा आया लेकिन कैसा ये पैसा इस्तेमाल हुआ ना नहीं हम लोग का बच्चा के लिए, एलपी स्कूल के लिए हुआ ना नहीं, ये चीज़ हम लोग को ड्यूटी हम लोग का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी बनता है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेशर दो गवर्नमेंट को कि इसका इंक्वायरी होने के लिए, सो देट ये क्लियर हो जाएगा। इतना बोल के आज के ये लाइव वीडियो हम यहाँ ख़त्म करता है, आप लोग ये देखने के लिए थैंक यू, लेकिन इसको डेफिनेटली आप लोग ये वीडियो को शेयर करो।